अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली हसन व्लॉग। वेलकम करता हूँ आपको आज के व्लॉग में। मेरी कसम सब लोग ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप लोग सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी सुबह का वक्त तो हो गया है और आज है हफ्ता, आज हफ्ता है और टाइम हो गए हैं 9, और 9 बजने वाले, अभी जाना है डेरे। पहले जाएंगे छत पर, छत पर जाएंगे और बकरे को बाहर बांधेंगे, फिर चलते हैं डेरे जी। अच्छा, अभी जाएंगे छत पर, पहले बकरे को बाहर बांधेंगे और मुर्गियां पहले से निकली होती हैं, ये अंदर नहीं, हम इनको पिंजरे में बंद नहीं करते, तो ये सुबह सुबह बाहर आ ही जाती हैं, पहले खुद ही बाहर ही रहती हैं 24 घंटे। ये लेला खोल लिया है बकरा, अभी इसको बांधेंगे बाहर, इसको बाहर बांधेंगे, इसको बांधते हैं बाहर। धूप बहुत निकली हुई है, धूप की वजह से काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। ये देखें ये क्या कर रहा है, ये कहता है मुझे भी व्लॉग बनाना है। अभी हम चलते हैं डेरे नीचे, उनके डेरे जाना है तो चले लेफ्ट गो डेरे पर। अभी जाएंगे नीचे निकालते हैं बाहर, मोस्टर का बाहर निकाल लेंगे और बांध थोड़ा लेला और नीचे चलते हैं, मोस्टर का बाहर निकालते हैं और सीधा पूरी सीधा आपको डेरे जाकर मिलते हैं, तो लेट्स गो। अभी मैं डेरे पर पहुंच आया हूँ और मोटरसाइकिल तो वो पीछे खड़ा किया है, और अभी गाय जो कि अंदर कमरे में बंद है उसको निकालेंगे। पहले नलके से बाल्टी भर लेते हैं। हम आ चुके हैं कमरे के पास, कमरे को जो लगा हुआ है ताला, जो ताला लगा हुआ है वो बाल्टी नलके के पास पड़ी हुई है। अभी पहले भरेंगे बाल्टी और फिर इसको पीला पानी पिलाएंगे, रात का पानी पड़ा हुआ है, ये पानी अभी ये पानी डालेंगे नलके में। ये पानी डालना भी निकल आया है, बाल्टी हो चुकी है फुल। और अभी निकालते हैं गाय को, ताला खोलेंगे, ये है लगा हुआ ताला और खोलते हैं ताला। ये ताला खुल चुका है, वो ये देखें गाय ने किला तोड़ दिया हुआ है। और पहले इसकी इसी बाहर निकालते हैं ताकि ये पानी पी रहे। चहा चहा
अभी ये पानी नहीं पी रही, अभी इसकी रस्सी खोलेंगे, अभी उसको कुछ काम कर लेते हैं और आपको बना की सफाई भी करनी है और इसको चारा भी डालना है, इसको पानी भी पिलाना है और अभी इसको पतला आपसे बाद में बात करते हैं सारे काम ख़त्म करके। आज हमने ट्यूबवेल अपना चलाया हुआ था, ये देखें ट्यूबवेल चलाया था, ट्यूबवेल में चलाया तो था लेकिन ये इसका पतला थोड़ा ढीला था, फिर पहले इसको कस के बांधा उधर, इसको दोबारा से ठीक करना पड़ेगा इसके पट्टे को, पहले इसको थोड़ा सा ना टाइट किया, इसको थोड़ा टाइट किया है और फिर हमने ये चलाया, इसने पानी निकाला, पहले इसमें 3-4-5 बाल्टियाँ पानी डाला, फिर इसने पानी निकाला तो ठीक था लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से ये जो हमने ये जो हौजी बनाई हुई है ना, ये पानी वाली ये छोटी बनी हुई थी, ये जो पाइप लगा हुआ था ना ये भी छोटा लगा हुआ था, ये पाइप जो लगा हुआ है पानी बाहर निकलने वाला ये भी छोटा लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये हौजी फुल हो गई थी और जिसकी पानी कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए हमने फिर से इसको बंद कर दिया था। पीटर को जब बंद कर दिया था तो हमने फिर ये इसलिए बंद किया क्योंकि पानी पीटर के ऊपर पड़ता था, ये भी इसमें पट्टे वाली जगह पर भी पानी होगा जिसकी वजह से ना पीटर गीला हो रहा था, इसलिए हमने ना पीटर को बंद कर दिया था। अभी हौजी होगी छोटी, अभी हौजी को फुल करेंगे और अभी हौजी को थोड़ा सा दो बार ऊपर और लगाएंगे इसके चारों तरफ, ये देखें ये पानी भी थोड़ा सा भी बचा हुआ है, इसमें अभी दो बार और लगाएंगे दो बार ऊपर और करेंगे, ये पाइप भी बड़ा लगाना है, अभी ये जो वाला पाइप है ना ये भी बड़ा लगाना है और पाइप को बड़ा लगाएंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे, फिर ये हौजी भी प्लास्टर भी करेंगे, सारा काम मुकम्मल करके फिर पीटर को चलाएंगे और अभी शाम को फिर से आना है। और आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।